और भी नई रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए शालिनी रस्तोगीज किचन और दबाएं बेल आइकन और देखिए मेरी नई रेसिपीज तुरंत। रेसिपी देखने वाले सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही जल्दी बनने वाली है और बहुत ही टेस्टी बनती है, और हमने जो इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ किए वो आपको आपकी रसोई में ही मिल जाएंगे। हमने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा इस्तेमाल नहीं किया है। हमारे घर में कभी गेस्ट आ जाते हैं और हम यही सोचते रहते हैं कि उनको क्या नया बनाकर खिलाएं, तो ये रेसिपी उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो बिल्कुल भी बिना देर लगाते हुए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए कटोरी में सबसे पहले हम डालेंगे 7 से 8 बादाम छोटे टुकड़ों में कटे हुए, 10 से 12 काजू ये भी छोटे टुकड़ों में कटे हुए, 1 चम्मच खरबूजे की मींगें, 1 चम्मच चिरौंजी, 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी गरम मसाला और 1 चम्मच मलाई। इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब मैंने लिए 4 ब्रेड के पीस, इसके एजेस को हम निकाल देंगे। तरीके से एजेस अलग कर लेंगे और ब्रेड को अलग कर लेंगे। इसी तरह से सबके निकाल लेंगे। सारे एजेस निकालने के बाद अब एक ब्रेड को लेंगे और उसको पानी में डिप करेंगे। इसके बाद इसको दबाकर सारा पानी बाहर निकाल देंगे, अलग रख लेंगे। इसी तरीके से सारी ब्रेड को हम दबाकर इसका पानी बाहर निकाल देंगे। हाथों से मसल कर चिकना कर लेंगे। मेरे पास है 4 बॉइल्ड आलू, इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। 1 छोटा टुकड़ा अदरक का है, इसको भी घिस लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच डालेंगे कॉर्नफ्लोर। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। चिकना आटा सा बना लेंगे इसका। एक चम्मच डालेंगे तेल और चिकना सा डो बना लेंगे। डो हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हाथों पर थोड़ा सा रिफाइंड लगाकर चिकना कर लेंगे। जितना बड़ा हमें कोफ्ता बनाना है उतना बड़ा हम डो ले लेंगे। थोड़ा सा प्रेस करेंगे और जो हमने ये बराबन बनाया था इसको इसमें रख देंगे। अच्छे से इसको कवर करेंगे। गोल करेंगे और कॉर्नफ्लोर में एक बार डिप करके इसको अलग रख लेंगे। इस तरीके से बाकी भी अपने इसी तरह से तैयार कर लेंगे। सारे कोफ्ते भरकर तैयार कर लिए हैं। अब पैन में तेल को गर्म होने रखेंगे। जैसे ही तेल गर्म होने लगेगा इसमें कोफ्ते डालने शुरू करेंगे। अब कोफ्तों को गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। सारे किनारों से इसको सेक लेंगे। जब एक साइड से सेक जाएंगे तब इसको हम थोड़ा सा घुमाएंगे। थोड़ा सा तेल इसके ऊपर भी डालते रहेंगे। शुरू में फ्लेम को हाई रखना है और उसके बाद हम इसको हल्की आंच पर सेकेंगे ताकि ये अंदर तक से सेक जाएं। आप देखोगे कि तेल में डालते ही इनका साइज डबल होने लगा है। अब इसको धीरे धीरे पलटना शुरू करेंगे। इसको हल्के हल्के घुमाते हुए अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। सारे किनारों से कोफ्ते हमारे अच्छे से सिक चुके हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब ग्रेवी के लिए हमने लिए हैं 1 बड़ी प्याज, 2 हरी मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का और 4 लहसुन की कलियाँ। इन सारी चीज़ों को हम मिक्सी कर लेंगे। सारी चीज़ों को मैंने मिक्सी कर लिया है। इसी तरीके से 2 टमाटर को भी हम अलग मिक्सी कर लेंगे। अब ग्रेवी बनाने के लिए रिफाइंड को गर्म करेंगे।
ये वही रिफाइंड है जिसमें कि हमने कोफ्तों को फ्राई किया था, तेल को कम कर लिया है। अब इसमें डालेंगे पेस्ट, धीरे धीरे इसको चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको हम फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होने लगेगा इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच पिसी मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर। सबको मिक्स करेंगे, साथ ही थोड़ा सा पानी डालेंगे। सारे मसालों को अच्छे से भूनेंगे। साथ ही अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे नमक और मसाले को जब तक भूनेंगे जब तक कि किनारों पर हमें तेल दिखाई नहीं देने लगता है, तब तक इसको लगातार चलाते रहेंगे। किनारों पर तेल दिखाई देने लगा है, अब इसमें डाल देंगे टमाटर की प्यूरी, साथ ही इसमें डालेंगे 2 चम्मच मलाई। सारी चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे जब तक कि किनारों पर अच्छे से तेल दिखाई नहीं देने लगता है, जब तक हम मसाले को भूनेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, किनारों पर इसके तेल दिखाई देने लगा है। अब जितनी ग्रेवी रखनी है हमें उस हिसाब से इसमें डालेंगे पानी, फ्लेम को हाई कर देंगे और लिड लगाकर 5 मिनट हम इसको बॉयल होने देंगे। अब इसको चेक करके देखेंगे, ग्रेवी हमारी अच्छे से बॉयल हो चुकी है। अब गैस को बंद कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको हम इसी तरह से रखा रहने देंगे। अब हमारे कोफ्ते भी तैयार हैं और ग्रेवी भी तैयार है, तो इसको सर्व करने के लिए पहले हम प्लेट में कोफ्ते रखेंगे और इसके ऊपर से डालेंगे ग्रेवी। ग्रेवी हमारी बहुत ज़्यादा गर्म होनी चाहिए, इसके ऊपर इस तरह से हम सर्व करेंगे। हम ग्रेवी के अंदर एकदम कोफ्ते नहीं डालते हैं, अगर हम कोफ्ते ग्रेवी के अंदर डालकर हम बॉईल करेंगे तो कोफ्ते एकदम खुल जाएंगे क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो इस तरह से हम इसमें ग्रेवी डालेंगे और तुरंत इसको सर्व करेंगे।